नमस्कार जी, गजेल किचन में आपका स्वागत है। आइए, आज मैंने एक डिश बनाई है यूपी की, इसको भकोसा कहते हैं और मैं इसको फरे बोलती हूँ। जैसे हम चावल का बनाते हैं, वैसे ये गेहूं के आटे से और चने की दाल से बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए हम चने की दाल लेंगे। मैंने एक कटोरी से इसको नापा है और इसमें ये 3 चम्मच उड़द की दाल डाली है और इसको 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप चाहें तो इसको रात भर भी भिगो सकते हैं। अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और अब इसको हम इसमें मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। और इसमें पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। इसके लिए मैंने ये 6-7 मिर्ची डाली है। आप जितना तीखा पसंद करें उतना डालें। और ये 6-7 ही कली लहसुन की डाली है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। और ये पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको बनाती रहती हूँ। और आज बारिश भी खूब हो रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घर की कुटी मिर्च, लाल मिर्ची डाली, काली मिर्च और ये गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और ये हींग। और इसको हींग और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा काला नमक भी डाल दिया था। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा गूंदेंगे। ये मैंने ज़रूरत के हिसाब से आटा लिया है। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये मैंने इसमें थोड़ा रिफाइंड डाला। और इसको अब अच्छे से गूंद लेंगे जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं। इसके लिए हम एक चटनी तैयार करते हैं। तो ये देखिए करौंदे हैं, चने की दाल है, मूंगफली और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला है मैंने। ये करौंदे की चटनी आप किसी भी तरह की मनपसंद चटनी बना सकते हैं। इसको तीखा बनाऊंगी मैं। थोड़ी हरी मिर्च ज़्यादा डाली है, लहसुन की 7-8 कलियाँ डाली हैं और अब इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए चटनी तैयार है। आप चाहें तो इस पर तड़का भी लगा सकते हैं, मैंने तड़का नहीं लगाया। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक लोई ली और इसको पूरी के आकार का बेल लेंगे। आप चाहें तो बड़ी सी रोटी बना करके भी इसको रोल करके काट सकते हैं। मैंने ये इस तरह से बनाया है। और ये पानी रखा था हमने एक तरफ बॉयल करा था। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, अच्छे से उबल रहा है। इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। अब हम एक पूरी उठाएंगे, इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसको गुजिया के जैसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आप किसी भी आकार का बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। और अब इसको उबलते पानी में डालेंगे और इसको कटर से काट देंगे। मैं इसको चाकू से पिज्जा कटर से काट लें तो ये थोड़ा सफाई आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम ये सारे के बना लेंगे जितने हैं। और ये इसको भी इसी तरीके से काट देंगे, इसके किनारे काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको दबा देंगे अच्छे से ताकि खुले ना। अब इसको उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे और 10-15 मिनट इसको पकने में लगेंगे। इसको हम पलटेंगे नहीं, और जब ये पक जाएगा ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से। देखिए इसको 10-15 मिनट हम पकने देंगे। ये मैंने 5 डाले हैं, इसमें 5 की कैपेसिटी है इस पतीले में, तो मैंने इसमें अभी 5 डाले हैं, बाकी के भी बाद में डालूंगी। और इस तरीके से आप इसको बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाय के साथ खाएं, वैसे जब दिल करे खाएं। और अब ये पक गए हैं अच्छे से, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। और एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा देसी घी, अब जीरा, ये राई डालेंगे पहले तेल में, फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी हींग डालेंगे, ये जीरा डाला मैंने, और जवाइन डाली है थोड़ी सी। अब ये थोड़ी सी हींग डालेंगे, हल्का नमक डालेंगे, वैसे नमक डाला है आटे में भी, और ये कड़ी पत्ता डाला। और इसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इसके ऊपर भी अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। कई लोग इसमें प्याज वगैरह डाल के भी तड़का लगाते हैं,
लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं, मुझे ऐसे पसंद है। आप चाहें तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे, खूब क्रिस्पी हो जाएगा ये। देखिए खूब अच्छे से बन गए, इस पर कोटिंग हो गई है मसालों की। और इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, बनाकर देखें, बहुत अच्छा लगता है ये, टेस्टी। ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार है, आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह से और खाएं, और हमें फीडबैक में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू।